आज हम आलू की सब्जी बिल्कुल नए तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, जिसमें स्वाद तो अच्छा होगा ही, इसके साथ साथ इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और इस रेसिपी की खासियत यह है कि हम इसे सिर्फ एक आलू से बनाएंगे और पूरे परिवार के लिए आप सब्जी बना पाएंगे। वैसे आपने बहुत सारी आलू की सब्जी खाई होगी, लेकिन आज जो सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाले है, इसे खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, कम तेल की भी बनेगी। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने एक आलू लिया है, कच्चा आलू लिया है। मेरा आलू बड़ा है तो मैंने एक लिया, अगर आपका छोटा है तो आप इसकी जगह पर दो आलू ले सकते हैं। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम है। अब आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो ये वाला जो नाइफ होता है इससे बहुत ही आसानी से छिल जाता है। किस किस के पास है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से, नहीं है तो आप इसे परचेज कर लो। ये 10 से 20 रुपए में मिल जाता है और बहुत ही काम आसान कर देता है किचन का। तो फ्रेंड आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिए। तो आज जो हम सब्जी बना रहे हैं उसके साथ हम आपको लिए आलू के लच्छे का पराठा भी बना के दिखाएंगे। तो फ्रेंड आलू को देखिए मैंने इस तरीके से अच्छे से छीलने के बाद 2 से 3 पानी वॉश कर लिया और बीच से इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसको कैसे कट करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आलू हमारा मोटा था और बड़ा था, इसीलिए हमें बीच से कट कर लेना है। फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसको बीच से और कट करेंगे। तो ये देखिए मक्खियों ने कितना ज़रा परेशान कर रखा है। अगर आपको मक्खी भगाने का कोई तरीका पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं कट करना है। और अब हम क्या करेंगे, इन आलुओं को तुरंत पानी में डाल देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे रखेंगे तो आलू बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आलू को हम पानी में डाल के 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। स्टार्च जब निकल जाएगा तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो चलिए 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद इसको हम पानी में डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए, लाल टमाटर लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। यहाँ पे देखिए टमाटर को मैंने बड़े बड़े नहीं लिया है, छोटे छोटे लिए, इसीलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ 1 लेना। अब हम टमाटर को इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे और ये वाला जो भाग होता है ये हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको अलग कर लेना है। तो इस समय मार्केट में टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए, तो आप 2 टमाटर डाल सकते हैं। अगर पहले हम ये रेसिपी शेयर करते तब आप इसमें आधा टमाटर डालते हुए घबराते, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कमेंट करके। अब इस तरीके से हम टमाटर को रफली कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ही इजी रेसिपी है, जितनी ज़्यादा बनाने में आसान है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप इसके सामने मटर पनीर को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने दोनों टमाटरों को कट कर लिया है। वेट नहीं, मुश्किल से टमाटर हमारा 20 ग्राम था। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना, इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। फिर 1 इंच का अदरक लेंगे, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है, और 3 लहसुन की कलियाँ। और इसके अंदर हमें कुछ नहीं डालना है। अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, क्योंकि टमाटर हमने लाल लाल लिया था। अब इसके अंदर हम जो चीज़ें ऐड करेंगे क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे काजू। तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं, और इस तरीके से काजू हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छी सी थिकनेस आएगी। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप इस पर डाल सकते हैं मूंगफली, मूंगफली डालें तो छिलके के साथ डालना। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल। तो छोटा सा टुकड़ा लिया है नारियल का, ज़्यादा नहीं लिया है। अगर आपके पास नारियल ना हो तो आप इसकी जगह पे मखाना भी डाल सकते हैं। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले हमने इसको क्यों नहीं पीसा। तो अगर हम पहले पीसते तो ये बहुत ही अच्छे से ना पीस पाता, क्योंकि टमाटर जो होता है उसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और तब तक काजू हमारा बिल्कुल अच्छे से नहीं पीस पाता, और इस तरह से ग्रेवी जो बनती वो थिकी थिकी सी बनती और स्मूथ ना बनती। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने काजू और नारियल डालने के बाद इसको पीस लिया है। अब आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से क्रीमी सी टेक्सचर की बन के रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे सारा का सारा। तो बिल्कुल ही बचाना नहीं है, वेस्ट कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए अच्छे से निकाल लिया है। और यहाँ पे जो जार में लगा हुआ है उसको भी हम यूज़ करेंगे, यानी इसी के अंदर हम आगे का काम करेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है इस रेसिपी में। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद इस तरीके से पानी में रख दिया था। अब इसको हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे।
तो फ्रेंड देखिए सारा आलू मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक ग्रीन चिली, जिसको हम इस तरीके से कट करके डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें क्वार्टर कप डालेंगे दही, जो मेरा घर का जमा दही है, गाढ़ा और खट्टा दही है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, आप 4 चम्मच पानी डालिए और उसमें आधा नींबू का रस मिला के इसके अंदर डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर दही नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिना दही के भी आप बना सकते हैं। अगर दही है तो जरूर डालना, इससे बहुत ही मजे का और टेक्सचर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे, तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा आलू पीस जाता है, क्योंकि आलू के अंदर खुद का पानी होता है तो पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सारा का सारा मैंने निकाल लिया है और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि जो लगा हुआ है वो भी हम यूज कर लें, कुछ भी वेस्ट ना हो। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से हथेली पे ले लेंगे और मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो नमक आप जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। 1 चम्मच ऑयल लिया है और इस तरीके से ऑयल डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से खस्ता बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिला लेंगे। तो अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे और कैसे डालेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो चम्मच को हम निकाल लेंगे साइड में। अब इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से छन्ना, अगर आपके पास छन्ना ना हो तो आप इसकी जगह पे कॉटन का कपड़ा या मलमल का कपड़ा ले सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन तो हर किचन में होता है। ये मैंने आधा कप लिया है, बड़ा कप का जो होता है उसका जो दूसरा नंबर वाला होता है वो लिया है। तो आप अगर कप से नापेंगे तो आपको आधा कप लग जाएगा और इससे नापेंगे तो आपको ये पूरा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो बेसन को जब आप छान के लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आता है। और दूसरी बात, मार्केट से जब बेसन लेके आते हैं तो उसको छान के ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार उसमें कीड़े भी होते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी और आपको हेल्दी खाने को मिलेगा। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा डाल सकते हैं, लेकिन बेसन डालेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए इस तरीके से बेसन डाल के मैंने इसको अच्छे से छान दिया है और ये जो मोटा मोटा बेसन बच रहा है इसको हम साइड में रख देंगे, यही जाके गुठलियाँ बनता। तो यहाँ पे हमें हल्दी या और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते समय आपको ख्याल ये रखना है कि इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, ये नहीं कि एक बार इस तरीके से एक बार इस तरीके से, ऐसा करने की गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया, बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है। अब अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। तो मैं आज इसके साथ ही आपको लच्छे पराठे की रेसिपी दूंगी। तो जब तक ये फूलेगा तब तक हम लच्छा पराठा बनाएंगे, गजब का बनता है, बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे। उस तरीके से आप एक बार लच्छा पराठा बनाएंगे तो आपको खा के मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़े साइज का बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा कप गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा 50 ग्राम है और इसको मैंने छान के लिया है। तो आप चाहे तो गेहूं का आटा स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मैदे के साथ ही बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप भर के मैदा, जिसको मैंने छान के लिया है, वेट नहीं है हमारा, 150 ग्राम है। तो आप थोड़ा सा गेहूं का आटा डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, आप चाहे तो खाली मैदे के साथ ही बना सकते हैं। फिर मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन लिया, जिसको इस तरीके से मसल कर डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो हमारा सिर्फ 1/4 चम्मच जाएगा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पे मीठा खाने वाला सोडा भी ऐड कर सकते हैं। फिर 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो शुगर डालने से क्या होता है, पराठों में बहुत ही अच्छा सा कलर आता है और पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, तो ऑयल कितना डालना है, 1 चम्मच। यहाँ पे आप घी और बटर का इस्तेमाल ना करें, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे बंद रहा है तो समझ जाइए आपका परफेक्ट है, अगर नहीं बंद रहा है तो थोड़ा सा आपको ऑयल और डालने की ज़रूरत है। तो अब हम ले लेंगे ना ठंडा ना गर्म, रूम टेम्परेचर का पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। यहाँ पे आटा लगाते समय आपको ख्याल ये रखना है कि आटे को हमें पत्थर जैसा हार्ड नहीं लगाना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जैसे हम रोटी और चपाती के लिए लगाते हैं उससे हल्का सा सख्त लगाना है, उतना हमें लूज नहीं लगाना है।
तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मसलते हुए इसका आटा लगाइए। एक साथ पानी डाल के आटा लगाने की गलती मत करना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से मसलते हुए लगाएंगे। यहाँ भी हम आपको बता देंगे कि कितना पानी लगेगा। तो फ्रेंड अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया। देखिए आटा ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इस तरीके से आपको आटा रखना है। यहाँ पे देखिए आटा लगाने में मुझे एक गिलास पानी में पूरा इस्तेमाल हो गया, सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी बच गया है। तो यहाँ पे मेरी छोटी गिलास थी इसीलिए मेरा बच गया है। अगर आपकी बड़ी गिलास होगी तो आपको आधा गिलास लग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देना है इस तरीके से, ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर फॉलो करना है। और अब आटे को हम कवर करके कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, तब तक आटा हमारा फूल जाएगा। नॉर्मल आटे की तरह इसे गूंदना नहीं है, तो जब तक ये फूलेगा तब तक हम दूसरा काम करेंगे, इसको साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, बेसन हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। इसमें से हम 2 चम्मच प्याज छोटा वाला इसके अंदर डाल देंगे, ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पर पुदीना भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसके अंदर कोई भी मसाले वगैरह हमें नहीं डालने हैं। अब चलते हैं रेसिपी को बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी हो फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल, आप चाहे तो इसकी जगह पे घी और बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। अब तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, क्योंकि सरसों के तेल में थोड़ा सा कड़वापन होता है, जब आप उसको अच्छे से गर्म करके लेंगे तब उसका कड़वापन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से धुआंदार गर्म करना है और इस तरीके से चेक करना है। हथेली को ऊपर रखा है, अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो गया है। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है, तेल को अच्छे से गर्म करके ही रेसिपी को बनाना है, तभी गजब का टेस्ट आएगा। तो जो छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक देते हैं उसे फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, और हींग डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा। तो जीरा हमें डालना है 1/2 चम्मच। फिर इसके साथ हम इसमें डालेंगे सौंफ, तो सौंफ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को 10 से 15 सेकंड चटका लेके काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारी प्याज थी जो हमने निकाल के रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और जो गैस का फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने हल्का सा बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कर लिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, नहीं तो जो प्याज का मीठापन होता है वो खत्म हो जाता है, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसकी जगह पे पत्ता गोभी डाल सकते हैं। पत्ता गोभी डालने तो उसको ग्रेट करके डालिएगा, 2 चम्मच डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपना अदरक, जो हमने 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट करके दिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक को भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, यहाँ पे हम गार्लिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन भी डाल सकते हो। फिर इसके बाद हम इसमें अपना टमाटर और काजू की जो प्योरी है वो डाल देंगे। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डाल देंगे, ताकि जो लगा हुआ है वो भी निकल जाए। और अब हमें गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है, क्योंकि काजू हमारा नीचे चिपकता है, तो इसीलिए हमें हाई फ्लेम पे काम नहीं करना है। और काजू और टमाटर की ग्रेवी को इस तरीके से पीस के लेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप इस सब्जी को बना पाएंगे, और इस सब्जी के सामने आप मटर पनीर भी भूल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसको अच्छे से भून लेना है 10 से 15 सेकेंड। जब ये इस तरीके से ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा तब हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, साइड साइड से ऑयल देखिए इस तरीके से सेपरेट होने लगा है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सबसे पहले 1 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी 1/4 चम्मच। फिर इसके बाद इसके अंदर आएगा थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटा वाला ना हो तो आप पिसा वाला ले सकते हैं। फिर इसके बाद 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 सेकंड मसालों को भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें धीमी धीमी आंच पे करनी है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा सब्जी का। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो जब भी आप रेगुलर सब्जी से बोर आ जाए तो आप ये सब्जी को बनाकर फैमिली वालों को खिलाइएगा, वो खुश हो जाएंगे। और संडे के दिन जब आपके बच्चे सारे घर में हो तब ये रेसिपी को बनाइएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा सबको साथ में खाने का। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालना। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम, जो मेरी घर की क्रीम है,
तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच क्रीम डाली है। अगर आपके पास घरेलू वाली ना हो तो आप इसकी जगह पे मार्केट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्रीम ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो क्रीम डालने से बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा। तो दूध को ठंडा करके उसमें से क्रीम निकाल के रख लीजिए फ्रिज में और उसको आप यूज़ कर लीजिए जब भी आपको क्रीम की ज़रूरत पड़े। मार्केट का जो क्रीम होता है वो हेल्दी भी नहीं होता है, पता नहीं कितने दिन से पैक होकर रखा होता है, और दूसरी बात महंगा बहुत मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम 10 से 15 सेकंड इसको भून लेंगे। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे मसालों को अच्छे से भूनना है 10 से 15 सेकंड तक, जब तक कि मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से ऑयल छोड़ना ना शुरू कर जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है, छोटी गिलास है, अगर आपकी बड़ी है तो आपको सिर्फ 1/2 गिलास डालना है। और इस तरीके से पानी हमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और अब हम गैस के फ्लेम को फुल कर देंगे और फुल फ्लेम पे इसको हम 2 मिनट तक बिना कवर किए हुए पकाएंगे ताकि ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुका है इस तरीके से पकते हुए, देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है। तब इसके बाद हम इसमें जायफल का पाउडर डाल देंगे जो मैंने 1 से 2 चुटकी लिया, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पर पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारा बेसन था वो अच्छे से देखिए जो पहले से ही फूला हुआ है, उसको हम क्या करेंगे इस तरीके से छोटी सी कटोरी में इस तरह से डाल के अच्छे से मिला लेंगे, और आप चाहें तो छोटा चम्मच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें डालना है। इसको डालने से क्या होगा कि आप इसको परफेक्ट शेप दे पाएंगे कटोरी से डालने पर। तो यहाँ पर आपको इस तरह से डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ। बहुत ही गजब की रेसिपी बनती है, आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे, और जब भी आपका मन करे कुछ अलग खाने का तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा ना बड़ा रखना है ना बहुत ज़्यादा छोटा रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने 4 डाल दिया है, अगर आपका पैन ज़्यादा बड़ा है तो आप इसमें 5 डाल देना, इससे ज़्यादा मत डालना। तो जो साइड में गिर गया है कोई बात नहीं, वो भी पक जाएगा। अब गैस के फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो चलिए कवर कर देते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसके साथ कुछ काम करेंगे, इसको सुंदर सा लुक देंगे, कैसे आपको बताएंगे। तो चलिए 5 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है हमको इसको पकाते हुए, अब इसको हम खोल लेंगे और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, वो क्या है आइए आपको बता देते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इस तरीके से, ये देखिए, इससे बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा, पर ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अगर आपके पास वो ना हो तो आप क्या ले सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ पे मैंने क्यूब्स वाला लिया है, आपके पास अगर ये वाला ना हो तो आप स्लाइस वाला भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह पे पनीर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेट करके। तो बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो चीज़ डालना आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसके बिना ही बना सकते हैं। बहुत ही गजब की रेसिपी मिलती है। तो मैंने ये क्यूब्स वाला लिया है, ये 20 रुपये का आपको किसी भी लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है किसी भी शॉप पे, और आप इसको डालेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेगा और देखने में बहुत सुंदर सा लुक आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डालेंगे तो ये बहुत ही सुंदर सा लुक देगा, ये देखिए। अब हम वापस से इसको कवर करके 2 मिनट और पकाएंगे और 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। जब तक ये रेडी हो रहा है हम इसे साइड में रख देते हैं पकने के लिए और अपने लच्छे पराठे को तैयार कर लेते हैं डियर। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पर रखे हुए, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो आटा हमारा चिकना हो जाएगा, जो एयर होगी वो निकल जाएगी, और हमारा जो लच्छा पराठा है वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर अब हम इस तरह से एक चकला ले लेंगे और अब हम इसमें से थोड़ा सा भाग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने 2 रोटी का निकाल लिया है और इस तरीके से इसको गोला बनाएंगे यानी लोई बनाएंगे। बाकी आटे को हम कवर करके साइड में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो, अगर आपका ड्राई हो जाएगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप चाहे तो इसको कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका गोला बना लिया है यानी लोई, और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे यानी मैदा, और फिर इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। फिर इसको इस तरीके से पहले हम फैला लेंगे हाथों से, और अब हम बेलन की सहायता से जैसे हम चपाती बेलते हैं उसी तरीके से थिकनेस का रख के इसको बेलना है। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जैसे चपाती बेलते हैं उसी तरीके से बेलने हैं। तो चलिए बेल लेते हैं।
तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है, इसको मैंने बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखा है, रोटी कितना रखा है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक चम्मच लिया है मैदा, अब इसके अंदर हम डालेंगे एक टेबलस्पून तक रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया इस तरीके से मोटा मोटा कट करके, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, आप चाहें तो गार्लिक भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालूंगी। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पेस्ट बनाएंगे, तो चलिए बना के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए एक चम्मच पानी डाल के इस तरीके से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, अब हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरीके से हम फिंगर से फैला रहे हैं, आप चाहे तो ब्रश से भी फैला सकते हैं लेकिन फिंगर से फैलाएंगे तो बहुत ही बराबर से फैलेगा हर तरफ से। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हम सूखा मैदा डाल देंगे, तो आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह पे बटर भी ले सकते हैं, लेकिन आप रिफाइंड ऑयल लेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि बाद में भी कुरकुरा रहेगा। अगर आप घी और बटर लेते हैं तो बाद में सॉफ्ट हो जाता है, जब तक गर्म रहता है तब तक तो बहुत ही कुरकुरा रहता है। अब हमको इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, ये देखिए, तो यहाँ पे हमें इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं कट करना है, इस तरीके से एक एक इंच की दूरी पे कट करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है लच्छा पराठा बनाने की, इस तरीके से बनाएंगे तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कट कर लेना है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से नाइफ ले लेंगे और इस तरीके से हमें इसको पलटते हुए चिपकाते जाना है। अगर आपको लगे चिपक रहा है तो इस तरीके से नाइफ का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि मैदा है, हल्का सा चिपकेगा ही। फिर इसके बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके आइए और दोनों को हम इस तरीके से अटैच कर देंगे और इस तरीके से घुमाएंगे, ये देखिए, इस तरह से घुमाने से बहुत ही अच्छा लेयर पड़ेगा। फिर इसको एक साइड से पकड़ के इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा लच्छा पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप एक बार लच्छा पराठा बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। फिर इस तरीके से घुमाते हुए ये जो लास्ट का सिरा है ये हम इसके ऊपर रख देंगे और इस तरीके से हम हाथ से इसको फैला लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अब सूखा आटा डाला है इसके ऊपर, तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इस तरीके से पहले हम इसको हाथ से फैलाएंगे और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बेलन लगाएंगे। बेलन हमें बहुत ही आराम से लगाना है और इस तरीके से हमें इसको हल्का सा बेल लेना है, यहाँ पे प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो जो लच्छे डाले हैं वो बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको बेल लेना है, बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे क्योंकि ये पराठा थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है, यहाँ पे आपको इसे ख्याल ये रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। ये देखिए हो चुका है, आप चलिए अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, चलिए खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए कितनी मजेदार सी सब्जी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। और यहाँ पे मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया तरीके से कुक हुई है। अब इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से आपको इसको सर्व करना है। ग्रेवी की जो थिकनेस है वो देख सकते हैं आप लोग कितनी ज्यादा बढ़िया आई है, ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही गजब का आया है। और आप इस तरीके से मेहमानों को सर्व करके देंगे तो मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि कहाँ से आपने ये रेसिपी मंगाई है, क्योंकि बिल्कुल होटल स्टाइल में बन जाती है। और ग्रेवी को मैंने थिक ही रखा है क्योंकि मैं इसको लच्छे पराठे के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। अगर आप इसको चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से निकाल लिया, चलिए अपने पराठों को भी सेक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया, आप चाहे तो तावा भी ले सकते हैं। पैन को जब अच्छे से गर्म कर लेंगे तब इस तरीके से अपना पराठा डाल देंगे और यहाँ पे हमें गैस का जो फ्लेम है वो हाई रखना है और इस तरीके से घुमाते हुए इसको हमें 10 सेकंड हाई फ्लेम पे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और शुरुआत में कोई भी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम इसको इस तरीके से पलट देंगे और अब इसको हम इस तरीके से 10 सेकंड हाई फ्लेम पे पकाएंगे। फिर इसको हम 2 मिनट तक धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे, तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। तो चलिए 2 मिनट पकाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमको उसको धीमी धीमी आंच पे पकाते हुए, अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे, ये देखिए हल्के हल्के से इस तरह से डॉट पड़ गए हैं। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से डालने के बाद इस तरीके से हम इसको फैला देंगे। अब हमें क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक देंगे, तो ऑयल आपको थोड़ा सा लगेगा इसके अंदर क्योंकि ये लच्छा पराठा है, आप चाहे तो कम ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से दबा दबा के पहले सेकना है, ये देखिए दूसरी तरफ हमने ऑयल नहीं डाला है तो इसलिए हम दबा दबा के सेकने के बाद इसको इस तरीके से पलट देंगे, ये देखिए बहुत केयरफुली। और अब हम दोबारा भी ऑयल डालेंगे,
तो ये पराठा बहुत ही मजे का बनता है, आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे आपसे जिद करके बार बार बनवाएंगे। इस तरीके से दबा दबा के सेकेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा और बढ़िया मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दबा दबा के मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है, दोनों ही साइड से हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसको काला नहीं करना है, नहीं तो देखने में लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से जब आप दबा दबा के सेकेंगे तो बहुत ही गजब का पराठा बनेगा। अब चलिए मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो फ्राई बनकर रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही मजेदार सी आलू की सब्जी। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सब्जी की ग्रेवी देख सकते हैं आप लोग, कितनी बढ़िया क्रीमी और टेक्सचरदार बनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज्यादा सॉफ्ट है, अंदर से कुक हुआ है। और यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया है लच्छे पराठे के साथ। तो यहाँ पे लच्छे पराठे का रिजल्ट दिखाते हैं, ये देखिए कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है। और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से काफी जल रहा है। इस तरीके से आप इसको तोड़ेंगे तो जो लच्छा है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर आपको नजर आएगा। तो काफी जल रहा है, देखिए इस तरीके से कितना ज्यादा खस्ता बना है, किस तरीके से टूट रहा है, बहुत ज्यादा जल रहा है। पराठे को आप हल्का सा ठंडा करने के बाद इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से टूटेगा सॉरी। तो यहाँ पे मैं इसको गर्मा गर्म इसलिए तोड़ के दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाना है, पराठा हमारा कितना अच्छे से कुक हुआ है, कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए लेयर आपको दिखी रही होगी कितने मजे की पड़ी है, ये देखिए। और यहाँ पे इसको आप इसके साथ खाएंगे सब्जी के साथ, ये देखिए सब्जी का टेक्सचर आप लोग देखिए कितना मजेदार है, काफी गर्म है। थोड़ा सा मैं ठंडा करके आपको दिखाती तो आपको ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैंने सोचा वीडियो लंबी हो जाएगी आपको फटाफट दिखा देते हैं। ये देखिए कितने गजब का बना है ये सब्जी और इस पराठे के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन। अगर आपको इस रेसिपी में जरा भी कुछ अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ है। और इस तरीके से आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही मजे की बनी है। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर देना डियर। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।